आम लोगों के दिमाग में एक सवाल काफी गूंजता रहता है। उत्तर इसका शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जो थाने से जो जमानत होती है, उस जमानत में पैसे कितने लगते हैं, पैसे किन्हें देना होता है, और यह किस आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है कि कौन से मामले में जमानत देनी है थाने से या कौन से मामले में नहीं देनी है, इसका निर्धारण कौन करता है। उम्मीद करता हूं कि इस जितने सवाल मैंने बताए इसमें से जानकारी बहुत कम लोगों की होगी। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस बुलाती है नोटिस के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या गिरफ्तार कर लेती है, जब भी किसी को नोटिस आता है तो नोटिस पे मुकदमा संख्या लिखा होता है, FIR नंबर लिखा होता है, उसके साथ साथ सेक्शन के बारे में या धाराओं के बारे में भी बताया जाता है और थाने का नाम लिखा होता है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर आपको धाराओं के बारे में पता चल गया तो आप काफी आसान तरीके से जान सकते हैं कि यह जो धाराएं हैं इसमें पुलिस को पावर है बेल देने की, यानी थाने से बेल हो जाएगी कि कोर्ट से बेल होगी। करना क्या है उसके लिए, गूगल पे जाइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को टाइप करिए और सर्च करिए, PDF मिल जाएगी आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। PDF को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें सबसे आखिरी में जब जाएंगे पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जब पूरे सेक्शन खत्म हो जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम हमें धाराओं के बारे में बताता है कि भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन सी धाराएं हैं। दूसरे कॉलम में यह बताया गया है, उसको परिभाषित किया गया है कि क्या काम करेंगे तो ये धाराएं लगेंगी। तीसरे कॉलम में यह बताया गया है कि अगर ये सब काम करेंगे और यह धाराएं लगेंगी तो कितने साल के लिए अंदर जाएंगे। और चौथे कॉलम में यह बताया गया है कि कौन सी धारा कॉग्निजेबल होगी और कौन सी धारा नॉन कॉग्निजेबल होगी। कॉग्निजेबल का मतलब कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी ऑफेंस के आगे लिखा हुआ है कॉग्निजेबल और उस मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं, IU साहब हैं, उनको मजिस्ट्रेट से आर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है, वह जो संबंधित बंदा है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस मामले में बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के वह गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो पांचवा कॉलम है वह बताता है कौन सी धारा बेलेबल है, कौन सी धारा नॉन बेलेबल है, और छठे कॉलम में कौन से जज साहब के द्वारा उस मामले में ट्रायल किया जाएगा या उनकी कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा। तो जो पांचवा कॉलम है उस कॉलम को ध्यान से देखिए। जिस धारा के आगे बेलेबल लिखा है वह धारा होगी बेलेबल। बेलेबल का मतलब कि उस धारा में पुलिस थाने से बेल दे देगी, और जिसमें नॉन बेलेबल लिखा हुआ है उस धारा में पुलिस को आप बेल राइट की तरह एक तरीके से नहीं मांग सकते कि मेरा अधिकार है जी मुझे बेल दीजिए। उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके आधार पे कुछ मामलों में पुलिस बेल भी दे सकती है या बहुत सारे मामलों में नहीं भी देके, जिसमें कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है वो पुलिस कस्टडी में लेके कोर्ट में पेश करती है, बाकी कोर्ट में डिसाइड होता है कि बेल होगी कि नहीं होगी। तो अगर बिलेबल लिखा हुआ है, अगर धाराओं के आगे और आपके मुकदमा में जितनी भी धाराएं लगी हैं सभी बिलेबल हैं तो पुलिस थाने से आपको बेल भी मिल जाएगी। जो IU महोदय हैं वही आपको बेल दे देंगे, जैसे कि आज तक एक्सीडेंट के मामले में एक उदाहरण के तौर पे लेके चल रहा हूं। किसी की गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर मारी जाती है और उस टक्कर होने की वजह से उस व्यक्ति की
मृत्यु हो जाती है। इस सेक्शन लगेगा इसमें 279 और 304A आईपीसी की, अगर आज की बात हो तो दोनों सेक्शन बेलेबल है। इस केस में थाने से ही बेल हो जानी है, 1 तारीख के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। 279 की जगह पे धारा आ जाएगी 281 भारतीय न्याय संहिता, और 304A की जगह धारा आ जाएगी 106 का उपधारा 2। अब इसमें क्या अंतर हो रहा है, जो धारा 281 की आई या तो बेलेबल की बेलेबल आ गई, 279 भी बेलेबल थी, अब इसको जो धारा चेंज हो रही है 281 यह भी बेलेबल है, लेकिन जो 304A की जो धारा बेलेबल थी आईपीसी में, वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 106 की उपधारा 2 है इसमें नॉन बेलेबल हो गया। यानी कि 1 तारीख के बाद अगर किसी की गाड़ी से कोई टक्कर होता है और उस टक्कर के वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, और एक धारा होगी 106 की उपधारा 2 जो कि नॉन बेलेबल होगी, और ध्यान रखिए धाराएं कितनी भी लगी हों सभी बेलेबल हो, लेकिन एक धारा अगर नॉन बेलेबल लग गई तो सभी धाराओं को, उस मामले को नॉन बेलेबल केस माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यह तो बात रही निर्धारण कैसे होता है कि कौन से मामले में थाने से बेल मिलना है। ये अधिकार है, बिलेबल ऑफेंस है, आप थाने पे जाएंगे, आप अपनी जमानती देंगे, आपको बेल देना ही देना है आयोग को। अब होता क्या है, बेल होती कैसे है, बेल तो उसी की होगी जिसकी गिरफ्तारी होगी। थाने पे जाने के बाद पुलिस जो आईओ होते हैं वो अरेस्ट मेमो बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं एक्यूज को, उसके बाद जमानत मांगी जाती है, और जब जमानत लाके एक्यूज के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जमानत दी जाती है, तो एक फार्म 47 होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, उसको भरवाया जाता है दोनों व्यक्तियों के द्वारा, एक्यूज के द्वारा भी और जमानती के द्वारा भी। एक्यूज के द्वारा जो भरवाया जाता है उसमें एक्यूज का नाम होता है, उसके पिताजी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, वह मुकदमा संख्या होती है, धाराएं होती हैं, थाना का नाम होता है, प्रभारी थाना प्रभारी के सामने प्रस्तुत होने की बात होती है, और कोर्ट का भी नाम होता है कि जब कोर्ट बुलाएगी तो इस व्यक्ति को हाजिर होना है। ये सब डिटेल दी जाती है, और लास्ट में एक अमाउंट दी जाती है कि इन केस अगर इन कंडीशन को नहीं मानने पे इतने पैसे जब्त किए जाएंगे। इससे वही जमानती वाले केस में भी जमानती का नाम होता है, फादर नेम होता है, एड्रेस होता है, और आगे जमानती यह लिखता है कि जिस व्यक्ति की वह जमानत ले रहा है एक्यूज का नाम, कि इसको कोर्ट में हाजिर कराने की जिम्मेदारी, या थाने में जब भी बुलाया जाएगा हाजिर कराने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति ने ली है, अगर यह हाजिर नहीं करा पाता है तो इससे भी एक अमाउंट जमा कराई जाएगी। अब जो यह अमाउंट जो लिखी जाती है या किसी को दिया नहीं जाता है, अमाउंट 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, ऐसा नहीं कि 1,00,000 2,00,000 हो जाएगा, रीजनेबल होगा, जेन्युइन जिसे बोलते हैं वो जेन्युइन होगा। और सबसे खास बात यही है कि इस पैसे को जमा नहीं कराया जा सकता, वह लिखा जाता है। अगर आप शर्तों को तोड़ते हैं, अगर यह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है कोर्ट में या थाने में, तो उसकी भी एक प्रोसेस है, उस पैसे को जमा कराने की भी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत ही जमा कराया जाता है। उसके बारे में अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है अगर इन शर्तों का वायलेशन हो गया तो। फिलहाल ध्यान दीजिए कि जो अमाउंट लिखी जा रही है 15,000 की या 10,000 की या 20,000 की या 25,000 की, या किसी को नहीं देना होता है, आपको सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत देनी होती है, और जमानत देने के बाद जब बांड आपने भर दिया 47, उसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा, आपको मतलब कि एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपके कोई सलाह है, कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।